गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग यूजेज ऑफ कंप्यूटर। आज हम लेसन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे यूजेज ऑफ कंप्यूटर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कंप्यूटर यूज़ एट होम, बैंक, शॉप, ऑफिस, स्कूल एंड हॉस्पिटल। आपको याद होगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट होम? इट इज़ यूज़ फॉर लर्निंग, डूइंग होमवर्क, डूइंग यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट एंड वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इट इज़ वेरी यूजफुल एट होम। योर पेरेंट्स, एल्डर्स कैन डू देयर वर्क ऑन कंप्यूटर। आपसे जो आपके बड़े हैं, पापा मम्मी, आपके भाई बहन, उन वो भी कंप्यूटर पर अपना काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल एट होम। इन बैंक कंप्यूटर यूज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। कस्टमर्स के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशंस को किस में स्टोर करके रखा जाता है? कंप्यूटर में। वी विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM मशीन। रिमेंबर आई गेव यू क्वेश्चन नेम ऑफ मशीन, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? आंसर इज ATM। कंप्यूटर शॉप पे भी बहुत यूजफुल है। शॉप पे जितने भी आइटम्स होते हैं उनका सारा रिकॉर्ड किस पे रहता है? कंप्यूटर में। और शॉपकीपर हमको बिल भी किसके थ्रू देता है? कंप्यूटर के थ्रू। जितने भी ऑफिसेज होते हैं उन सब में कंप्यूटर का यूज़ होता है। जितना भी डेली वर्क होता है ऑफिस में, ऑलमोस्ट वो किस पे होता है? कंप्यूटर में। जैसे टाइपिंग, प्रेजेंटेशन, रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेजेस। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन ऑफिस। नाउ कंप्यूटर यूज इन स्कूल्स ऑल्सो। टीचर यूज़ कंप्यूटर फॉर टीचिंग, स्टूडेंट्स डू प्रैक्टिकल। You also do practical or not? Now computer used in hospitals to keep the records of patients. Patients की सारी details, उनके test की information, वो सब किस पे रहती है? Computer पे। तो ये places हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हम कुछ नए areas के बारे में पढ़ेंगे जहाँ computer use होता है। तो just see, you recognize this place? Yes, railway station. I think you all are familiar with railway station. यहाँ से हम ट्रेन में बैठते हैं। वी बोर्ड द ट्रेन्स एट रेलवे स्टेशन। तो चिल्ड्रन, ट्रेन में बोर्ड करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? टिकट। आई थिंक आप फैमिलियर होंगे कि विदाउट टिकट ट्रैवल करना क्या होता है? इलीगल होता है। सो वी शुड नॉट ट्रैवल विदाउट टिकट। तो टिकट काउंटर्स पे भी टिकट किससे बुक होते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि इससे वर्क क्या हो जाता है? बहुत ही ईजी और फास्ट होता है। पैसेंजर्स की डिटेल्स, ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है? कंप्यूटर के अंदर। इफ यू वांट टू नो अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ ट्रेन्स, तो वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। काउंटर पे कंप्यूटर्स होते हैं और एम्प्लॉयज हमको कंप्यूटर के थ्रू बताते हैं कि कौन सी ट्रेन कब अराइवल होगी, कि कब डिपार्चर टाइम होगा। So all these information we get with the help of computer. Computer is very useful at railway station. And this is the picture of airport. So computer airport पे भी use होता है। Children remember, computer सभी transportations media में use होता है। Railway station, airport and bus stand also. So this is the picture of airport. I think you are familiar कि airport से हम किस में board करते हैं? We board in the एरोप्लेन। और एरोप्लेन में जाने के लिए भी जो टिकट्स बुक होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? कंप्यूटर के थ्रू। ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लाइट्स और पैसेंजर किस में रहते हैं? कंप्यूटर में। कौन सी फ्लाइट किस प्लेस से स्टार्ट होगी और कहाँ पे उसका डिपार्चर है, किस टाइम पे होगी, कौन कौन से पैसेंजर्स ने बुकिंग कराया, कौन सा सीट नंबर है, ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ही रहती है। एंड वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। Nowadays online booking is also possible. So computer is very important at airport, railway station and bus stand. In sare public transport places pe computer bahut hi useful hota hai. Next area jahan hum computer ka use karte hain wo kaun sa hai bachcho? Learning. Learning ka meaning hota hai padhna, seekhna. Agar hame kuch seekhna hai kisi bhi cheez ke bare mein, तो नाउ डेज वी हैव ए वन थिंग दैट इज़ कंप्यूटर विद अस। तो हम कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से
घर बैठे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो देर आर वेरियस थिंग्स वी कैन लर्न, फ्यू आर गिवन, लाइक लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। आजकल ड्राइविंग सेंटर वाले जरूरी नहीं कि आपको कार में बिठा के ही सिखाएं, वो आपको किसी रूम में ले जाकर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठा कर भी आपको सिखा सकते हैं हाउ टू ड्राइव ए कार। जस्ट सी इन दिस पिक्चर, द पर्सन इज गिविंग ट्रेनिंग टू द पर्सन हाउ टू ड्राइव ए कार ऑन द रोड। तो बच्चों आजकल ड्राइविंग सेंटर्स पे कंप्यूटर के थ्रू भी सिखाया जा सकता है, इवन कार सीख सकते हैं, एरोप्लेन चलाना भी आप सीख सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। और भी चीज़ें आप सीख सकते हो, लाइक योर मम्मी कैन लर्न न्यू रेसिपीज फॉर यू। आपकी मम्मी आपके लिए नई नई रेसिपीज सीख सकती हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर कि हम नई नई रेसिपीज सीख सकते हैं। लर्न टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है तो भी हम कंप्यूटर की हेल्प से इजीली लर्न कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं कि किसी जगह पे जाके ही सीखना है, हम खुद भी सीख सकते हैं। इट्स वेरी इजी फॉर अस, वी कैन लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। बच्चों दुनिया में बहुत तरह की लैंग्वेजेस होती है, और कभी कभी एक कंट्री में भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है। हमारे खुद की कंट्री में इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, तो आज हम किसी भी लैंग्वेज को घर बैठे इजीली सीख सकते हैं, और किसी और कंट्री की लैंग्वेज भी हम सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें उस देश में जाना पड़ेगा या उस रीजन में जाना पड़ेगा लैंग्वेज सीखने के लिए। जस्ट वी हैव ए कंप्यूटर, वी कैन लर्न एनी लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस। तो कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल टू लर्न डिफरेंट स्किल्स। नाउ सी, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है और यू वॉन्ट टू लर्न वेरियस डांस फॉर्म्स, तो आप कंप्यूटर की हेल्प से डांस फॉर्म्स भी लर्न कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे डांस फॉर्म्स होते हैं, हमारे इंडिया में अलग अलग रीजन्स में भी अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं। तो वेरी इजी वी फॉर अस टू लर्न द डांस फॉर्म्स। बच्चों इनके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के थ्रू सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है किसी की हेल्प चाहिए। ओके, नाउ अवर टॉपिक इज ओवर टुडे, और दूसरे बाकी प्लेसेस के बारे में हम अगले वीक पढ़ेंगे। दिस इज द आंसर की ऑफ लास्ट वीक असाइनमेंट, एंड दिस इज द असाइनमेंट फॉर दिस वीक। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।